सावधान हो जाइए दोस्तों। जी हाँ, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, मगर कुछ दिन पहले जुन्नर में एक ट्रेन में एक महिला का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था। शिकायत वाशी रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। वाशी रेलवे पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नकली नोटों का बंडल थमाता था। आरोपी यात्रियों से मोबाइल फ़ोन और कुछ नकदी लेकर एक एकर भाग जाता था कि नकली नोटों का बंडल 1,00,000 रुपये का है और वे अगले रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। आइए देखते हैं पुलिस निरीक्षक का क्या कहना है। दिनांक 3 जानेवारीला एक महिला घनसोली ते जुईनगर जात असताना त्यांचा मोबाईल चोरीला गेला होता। त्यावेळी आमच्या स्टाफने गोपनीय माहितीच्या आधारे एका आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्याला मान्य कोर्टासमोर हजर करून 2 दिवस PC घेतली होती। त्या PC मध्ये चोरीला गेलेला मोबाईल आम्ही हस्तगत केला। तसेच त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता त्याने 25 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या एका साथीदाराबरोबर सानपाडा स्टेशन येथे 1,00,000 बनावट नोटाचं बंडल एका प्रवाशाला देऊन त्याच्याकडून मोबाईल आणि 400 रुपये काढून घेतले होते। हा पण गुन्हा त्याने केल्याचं निष्पन्न झाल्याने त्यास आज रोजी त्यास अटक केलेली आहे नमूद गुन्ह्यात, आणि उद्या त्याला कोर्टासमोर आम्ही हजर करणार आहे। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं आपका दोस्त और जनता का होस्ट, जी हाँ, आपसे विदा लेता हूँ यही सोचकर कि आप लोग किसी भी बहकावे में, बहरूपिए के बहकावे में नहीं आएंगे और सतर्कता बरतेंगे। आपसे इतनी ही उम्मीद है कि इस न्यूज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग सतर्क रहें और सतर्कता बरतें। किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह से लेन देन ना करें तो ही बेहतर होगा। सावधानी सबसे बेहतर उपाय है।